मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आईडी कर्मा में। दोस्तों पहली बात तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ और इसकी वजह से आपका एक दिन खराब हुआ। और दूसरी बात ये कि मैंने रात को वीडियो बनाया था और यहाँ पे मेरे पास कोई साधन नहीं है इस लैपटॉप के अलावा, तो जूम वीडियो के थ्रू मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपका कुछ फायदा हो पाए। और मैंने वीडियो बना लिया था लेकिन मुझे पता नहीं था इसकी ऑडियो सेटिंग कैसी क्या होती है, और वो उसमें बिना ऑडियो के ही वो पूरा वीडियो बन गया, इसलिए काफी लेट हो गया है, रात के 12 से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो पहले बना देता हूँ, या कोशिश करूंगा इसके बाद भी कोई वीडियो बना पाऊँ। मेरे पास एक वीडियो है रिलेशन फंक्शन का, मुझसे टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए बोला था, रिलेशन फंक्शन नहीं केवल टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए मुझसे बोला था, तो वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अब हमारे पास ये पर्पज नहीं है, मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन सा, कोई क्वेश्चन देखे टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछ ले, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इनवर्स के भी कई क्वेश्चन मैंने देखे कि आर इनवर्स रिलेशन की पावर -1, मतलब इनवर्स ऑफ रिलेशन भी पूछा गया, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक नंबर ऑफ सबसेट्स भी पूछा गया। तो मैं इन चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लियर वैसे भी दिख रहा हूँगा, कैमरा इसका ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, मतलब आप छोड़ के जाने वाले हैं और इस 15 मिनट के वीडियो को देख लें, हो सकता है आपका फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। मैं शेयर करता हूं पीपीटी। तो भाई हम लोग हैं, ये किस कोने में रहेगा मेरा फोटो मुझे नहीं पता, मैं किसी तरफ रख लूं, ये की तरफ रहता है, आई डोंट नो वेयर इज इट, बट टाइप्स ऑफ रिलेशन पे है। तो सबसे पहले मैंने लिया है इनवर्स, हो सकता है ये जिस तरफ है उसकी वजह से आपको पूरा ही दिख रहा हो, तो मैं आप पूरा एक्सप्लेन करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। इनवर्स रिलेशन इज सीन व्हेन द सेट ऑफ व्हेन द सेट हैज एलिमेंट व्हिच आर इनवर्स पेयर ऑफ अनदर सेट। मतलब अगर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी है तो क्या है यहां पर, जैसे मैंने लिखा ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, सो दीज टू ए एंड सी जो पहली लिखे हैं, जो ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है, तो वो दैट इज कॉल्ड डोमेन, दिस डोमेन, और ये जिससे अटैच हुए हैं दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है, ये है रेंज। तो ये बात रही कि जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बनता है इनवर्स में, तो ए डोमेन था और बी उसका रेंज था, तो आर इनवर्स करेंगे तो बी टू ए हो जाएगा, दैट इज बी टू ए, ठीक है, और सिमिलरली सी डोमेन था, डी रेंज था, तो डी टू सी हो जाएगा, दैट इज डी टू सी। बहुत सिंपल सा है लेकिन पता होना चाहिए, पहले आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा और फिर रिलेशन के बाद उसका इनवर्स लिया जाता है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और देन हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब देखो तीन रिलेशन बहुत काम के हैं इसमें, क्यों नहीं लगा कर्ली ब्रैकेट मुझे नहीं पता, तीन रिलेशन काम के हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये पूछे जाते हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें भी ट्रांजिटिव में बच्चे ने स्पेशली लिखा है कि ट्रांजिटिव में सर दिक्कत आती है, और सच में उसमें थोड़ा डाउट रहता है, मैं क्लियर करूँ। बोल रहा है इन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट मैप टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट मैप टू इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर सेट 1, 2। देखो ध्यान रखना, एक सेट दिया और उसके पॉसिबल रिलेशन पूछा, उसका पॉसिबिलिटी पूछी, तो अगर मैं इसका कोई रिलेशन बनाऊंगा 1, 1, 2, 2, बस इतना ही बनाता हूँ, पॉसिबल रिलेशन तो ये हो सकता था, ये ए टू ए है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेशन, ए ए का ए के साथ रिलेशन, तो ए का ये जो वाला रिलेशन है ये ए आर ए है, ठीक है। अब रिलेशन कई तरह के हो सकते हैं, हो सकता है यही रिलेशन हो 1, 1, 2, 2, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो डोमेन की वैल्यू है, जो डोमेन में है वो उस सेम टू सेम उसकी रेंज भी वही हो जाए, वो खुद के साथ अटैच हो, मतलब 1, 1 है तो 2, 2 होना चाहिए। अब लेकिन अगर इसमें ध्यान रखना, अगर इसमें 1, 1 और 1, 1 और 2, 2 आया, केवल इतना ही आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, साथ में ये आइडेंटिकल रिलेशन भी है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल रिलेशन में जो भी सेट में एलिमेंट थे उनकी ही वो जब खुद से जुड़े हुए हैं बस, दैट इज अ आइडेंटिकल रिलेशन। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्सिव बोलूं तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, 1, 1
2.2, 1.2 and 2.1. इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि आप तो डोमेन देखो 1.2, 1.2, जो भी डोमेन में है उसके साथ उसका खुद का रिलेशन बनना चाहिए, मतलब 1 और 2, इसके अलावा कोई डोमेन में आया तो 1.1 और 2.2 अगर मिल रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव, सो दे बोथ आर रिफ्लेक्सिव, बट इफ वी विल गेट ओनली मिरर इमेज 1.1, 2.2, सो इट इज आइडेंटिकल, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, आइए आगे बढ़े। देन है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इन अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इंप्लाइज बी, ए टू बी इज ट्रू देन बी टू ए इज ऑल्सो ट्रू, अब जरा ध्यान रखना इसमें एक चीज गिवन है और दूसरी चीज ट्रू हो तो सिमेट्रिक होता है, मतलब अगर ए टू बी ट्रू है, मतलब ए टू बी अगर रिलेशन में लाई कर रहा है तो बी टू ए अगर करेगा तो सिमेट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए टू बी रिलेशन का पार्ट है तो बी टू ए भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, मतलब अगर 1.2 है, मतलब डोमेन अगर रेंज के साथ था तो वो रेंज डोमेन बन जाए और डोमेन रेंज बन जाए, मतलब 1.2 है तो 2.1 अगर आ रहा है तो वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन बहुत सिंपल होता है, आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देन आता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव डेंजर है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डोमेन थी, ये रेंज थी, तो एक्स टू वाई अगर रिलेशन में है, इसमें दो कंडीशन है एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड, अब देखो पहले वाई रेंज था वो यहाँ पे क्या बन गया, डोमेन बन गया और वो तीसरे से अटैच हो गया रेंज से, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अभी डोमेन है और जेड रेंज है, तो इफ एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड, इफ एक्स टू वाई बिलोंग्स टू रेंज, वाई टू जेड बिलोंग्स टू रेंज, देन जेड टू एक्स नहीं होता, एक्स टू जेड होता है, ये डोमेन था डोमेन रहा, ये रेंज है रेंज ही रहा, अगर ऐसे अपन ए और बी में बोले, इफ ए टू बी लाइज इन अ रेंज एंड बी टू सी लाइ इन अ रेंज, देन इफ ए टू सी लाइ इन अ रेंज मींस लाइज इन अ रिलेशन, देन वी कॉल्ड इट इज अ ट्रांजिटिव, अगर ए से बी और बी से सी लाइ कर रहा है रिलेशन में, तो अगर ए से सी करेगा तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें दो डेफिनेशन है, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन, बहुत शानदार है, अगर 1.2 है, 2.3 लिखता हूं तो 1.3 होना चाहिए, ठीक है, 1.2, 2.3 तो 1.3 है, ठीक है, अब तुम कहोगे सर 2.3 फिर अब 3.2 तो नहीं है इसमें, तो भी मैं अगर केवल इतना लिख देता हूं, ठीक है, एक रिलेशन ये था, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि A to B और B to C, ध्यान रखना अगर A to B है और B to C है तो A to C जरूर होगा, जरूर होना चाहिए, अगर A to B है और B to C है तो A to C अगर होगा तो ट्रांजिटिव है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये रिलेशन बनाया, अब मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्यों, क्योंकि डोमेन में 2 है तो 2.2 आना चाहिए था जो कि नहीं आता, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, 2.3 था तो 3.2 भी आना चाहिए था, सिमेट्रिक नहीं है, क्या ये ट्रांजिटिव है, यस इट इज ट्रांजिटिव, अब तुम कहोगे सर ये तो गलत बात है, आपने अभी समझाया कि ए टू बी और बी टू सी होगा तो ए टू सी होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव है, मैंने ये कहा कि अगर ए टू बी है, ध्यान से सुनो, ए टू बी है और बी टू सी है तो फिर ए टू सी ढूंढते हैं, लेकिन ए टू बी है और बी टू सी नहीं है तब भी ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, अगर 1.2 और 2.3 हुआ तो 1.3 होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन 1.2 है 2.3 है ही नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, इसे मैं एग्जांपल देता हूं, आजकल मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, कि अगर मान लो आपके स्कूल रेगुलर चल रहे होते, ठीक है, आपके स्कूल चलेंगे तो एग्जाम होंगे, पढ़ाई होगी, एग्जाम होंगे और उसमें आपको पास होना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे, उसमें पास हो गए तभी पास माने जाओगे, एग्री, मैंने कहा कि अगर आप स्कूल चल रहे हैं, स्कूल रेगुलर चल रहे हैं, उसमें आप जा रहे हैं, उसमें पढ़ाई हो रही है, उसमें एग्जाम होंगे, एग्जाम में अगर आपने अच्छे नंबर लाए तो आप पास होंगे, अब कोविड का टाइम आ गया, स्कूल बंद है, स्कूल ही बंद है, आपकी गलती नहीं है लेकिन स्कूल बंद है तो क्या आप फेल हो गए, नहीं, स्कूल बंद है तो एग्जाम नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो, तो यहां पर अगर ए टू बी है और बी टू सी है तो फिर ए टू सी होना चाहिए, ठीक है, स्कूल खुले हुए हैं, एग्जाम हो रहे हैं तो एग्जाम में फिर पास हो गए तभी पास होने, लेकिन A to B है, B to C नहीं है तब भी ट्रांजिटिव है, मतलब अगर
स्कूल नहीं खुल रहे हैं फिर भी आप क्या है, क्योंकि स्कूल नहीं खुले इसलिए एग्जाम नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। इस तरह से मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, दैट इज अ ट्रांजिट। मेरे ख्याल से समझ में आया हो। अब आपसे कोई भी स्टेटमेंट देता है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि ए टू बी सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो है बी की सिस्टर है। अब एस आपसे पूछेगा रिफ्लेक्सिव है क्या, तो बी की जगह ए लिखो, डोमेन और सेम करो, डोमेन और रेंज को। क्या ए इज अ सिस्टर ऑफ ए खुद की सिस्टर होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं। अब सिमेट्रिक चेक करो, इफ ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज ट्रू, इफ ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज ट्रू देन बी इज अ सिस्टर ऑफ ए, पॉसिबल है हमेशा, कि अगर ए बी की सिस्टर है तो क्या बी ए की सिस्टर होगी, जरूरी नहीं है, वो ब्रदर भी हो सकता है। ए अगर बी की सिस्टर है इसका मतलब ए लड़की है, बी के बारे में नहीं पता, तो बी भी ए की सिस्टर होगी, जरूरी नहीं है, वो बॉय भी हो सकता है। बट ए अगर बी की सिस्टर है, मतलब ए गर्ल है, और बी अगर सी की सिस्टर है, मतलब बी भी गर्ल है, तो क्या सी टू ए नहीं जाते, क्या ए भी सिस्टर होगी सी की, 100% होगी। ए अगर बी की सिस्टर है और बी सी की सिस्टर है तो ए भी सी की सिस्टर होगी, 100% होगी। सो इट इज नथिंग बट ट्रांजिटिव। इस तरह से बनाते हैं। जैसे एक और देखो, एक रिलेशन और बनाते हैं, मान लो L1 कॉमा L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2, 2D में देख रहे हैं भाई, 2 डायमेंशन में, ठीक है ना, नहीं तो अभी 3D में आ जाए, कि L1 खुद के परपेंडिकुलर होगा क्या, रिफ्लेक्सिव में नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। L1 परपेंडिकुलर टू L1 होगा, कभी नहीं होगा। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के, बिल्कुल होगा, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब बात हम करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में क्या करें, अब कैसे लें, सर दो ही दिए हैं, तो क्या करो, पहले जो डोमेन थी ये रेंज थी L1 टू L2, ठीक है, अब जो रेंज थी उसे डोमेन बना लो और एक एक्स्ट्रा लिख लो। अब इसमें केस बनाओ कि इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, देन L1 परपेंडिकुलर टू L3 नहीं, पैरेलल होंगे, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो स्टेटमेंट में इस तरह से देखते हैं, और जो न्यूमेरिकल, जो रोस्टर फॉर्म होती है, जो न्यूमेरिकल बेस लिखा जाता है, उसमें कैसे देखते हैं, मैंने बता दिया। तो मेरे ख्याल से ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद इक्विवेलेंस आता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तीनों होते हैं सेम टाइम पे, तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बहुत ही आसान सी चीज है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा बच्चों को बचता है सबसेट का नंबर ऑफ सबसेट। जैसे कोई सेट है ए 1, 2, इसमें दो एलिमेंट, तो इसके सबसेट बना है, पहले खाली ब्लैंक एम्प्टी सेट या फाई भी बोलते हैं इसे, देन 1, देन 2, देन 1, 2, कितने बने 4, सो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 की पावर। अगर अपन तीन होंगे, इसमें तीन दें 1, 2, 3, तो सभी लोगों बना आता है फाई, लिख रहा हूँ ये फाई है, ये दोनों सेम होते हैं फाई, देन 1, 2, 3 सिंगल सिंगल बनेंगे, फिर दो दो के बनेंगे, तो 1, 2, 2, 1 मत बनाना, बंडल है, ग्रुप है, ग्रुप में अरेंजमेंट नहीं होता, 2, 3 और 1, 3 या 3, 1, कुछ ज्यादा ही कर ली ब्रैकेट आ रहा है, मैं जूम पे अब पढ़ाता नहीं हूँ या लिखता नहीं हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है, और फिर 1, 2, 3, तो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। इफ n इज नथिंग बट दी जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, या m बोल देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज m, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन मुझे, मतलब मैं लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन का नहीं सोचा था, लेकिन मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन जेई में आया पिछले साल, कि क्या था कि अगर कोई सेट था a, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो m है, और एक सेट है b जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n थे, n ही बोला है, ठीक है, जो था वो बोल रहा हूं, और बोलता है कि नंबर ऑफ सबसेट इन a इज इक्वल इज ग्रेटर देन इज ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज ग्रेटर देन
greater than 112 of number of subset of B. ठीक है, तो number of subset जितने A के हैं, A के number of subset कितने होंगे? क्यों भाई, number of subset of A कितने होंगे? 2 की power m. number of subset B में कितने होंगे? 2 की power n. तो 2 की power m जो है वो ज्यादा है किससे? 2 की power n से. कितना ज्यादा है? 112 ज्यादा है. इसको इधर ले लिया, तो 2 की power m minus 2 की power n equal to है 112. अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, m और n नेचुरल नंबर होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, तो यहां पर अब कैसे सोचें, क्या एटेंटाई लगाना है, कैसे सोचें? तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 100 से बड़ा आ रहा है. तो सबसे पहले m की वो सबसे छोटी वैल्यू लो जिससे कि ये 100 से जरा सा बड़ा हो जाए. तो 2 की पावर 6 क्या होता है? 64. 2 की पावर 7 होगा 128. ठीक है, तो m की वैल्यू मैंने 7 ली, ये बना 128 माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 112. ठीक है, तो अब मैं 128 में माइनस कितना करूं कि 112 आ जाए? तो 16. तो 128 माइनस 16 होगा 112, मतलब 2 की पावर ये क्या बनेगा? 4. मतलब n की वैल्यू कितनी है? 4. आप कोई और पेयर बना के देखोगे, और कोई पेयर नहीं बनेगा, अपने आप ही नहीं बनेगा. और हमसे फाइंड क्या करना था? फाइंड लिखा था उसने कि फाइंड m into n. तो 7 into 4 आंसर विल बी 28. ये आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आइडिया आना चाहिए. मेरे ख्याल से सब लोगों को उम्मीद है वो कि बच्चों इसमें एक भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई इस तरह का स्टेटमेंट पूछ ले तो बिल्कुल उसका फायदा उठाएं. मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो ला रहा हूँ कि जिसमें अगर आप छोड़ के जा रहे हैं आपने, या आपने कर लिया है और कुछ ऐसा कि जरा से छोटे से क्लिक वाला कंसेप्ट आ जाए और आप बना डालें. ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट बोलिए मुझसे, और इन्वर्स बोलिए, उस पर एक 15 मिनट का वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों. ठीक है, टाइम ज्यादा ही लूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.